और खरबूजा की क्वालिटी चेक करें जरा, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। और ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, देख सकते हैं क्वालिटी इसकी तोहीद आयले। क्या आटा है? आटा है, आटा है, आटा जी मार्केट में। क्वालिटी देखें, चेक करें दोस्तों केले की कि इस टाइम मार्केट में। तो जनाब जुल्फकार साहब हमारे साथ होंगे जो के यूसी वाइस चेयरमैन भी है। रमजान के हवाले से दोस्तों दे सकते हैं जामे शीरी कितने की बताई? पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी उनका कोई त्यौहार आता है तो चीजें आधी कीमत पे हो जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह माफ करे हमारे पाकिस्तान का। आलू की क्वालिटी जबरदस्त नजर आ रही है दोस्तों, देख सकते हैं ये क्वालिटी देखे आलू की, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, बहुत बड़े बड़े आलू है। ये तरबूज कैसे दे रहे हैं ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आलू जो है 100 रुपए किलो, प्याज 180, टमाटर 80, लहसुन 100, हरी मिर्च 100, तुरी 100, बैंगन जो है बैंगन 70, फूल गोभी 100। उसमें ये कम करते हैं कि 160 वाली डबल रोटी 120 में देते हैं। अच्छा, साथ में चार बंद फ्री। अच्छा, चार बंद फ्री, चार बंद फ्री। तो कम करने के लिए एक हमने छोटी सी कोशिश की है। ठीक हो गया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 4.5-5 हजार लोग डेली यहाँ से सामान लेके जाते हैं। ठीक हो गया। उसमें ज्यादातर सफेद पे लोग होते हैं। ठीक हो गया। और हम ये करते हैं कि हम आटे की मद में डेली 50,000 की सब्सिडी देते हैं। ये दिखा दे अमरूद की क्वालिटी देखे, ये देखें। हाँ, प्याज इतना महंगा हो गया है। अच्छा, कि आज का मंडी का रेट 9,500 रुपया मन का है। हम 180 रुपए किलो के हिसाब से ये देते हैं। टमाटर 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो दोस्तों दे सकते हैं, किलो केजी का है। अच्छा मुझे ना ये दे सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां, मटर है और ये कद्दू है, एप्पल भी पड़े हुए, एप्पल कैसे दे रहे? दोस्तों मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई सस्ती चीज मिले और खास करके इस महंगाई के दौर में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। तो ऐसी कोशिश मुझे आज लाई है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जमात इस्लामी कराची की तरफ से एक जबरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लिया गया है और आवाम की मदद के लिए और उन सफेद पोश लोगों के लिए जो आज के दौर में खास करके टारगेट हुए हैं और बहुत जबरदस्त परेशानी में के आलम में है कि रमजान है और महंगाई है, तो उनके लिए ये चीजें मैं आज ऐसी जगह पे आया हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है जब कि यहाँ पे तमाम सब्जी फ्रूट आटा बहुत सारी चीजें और बहुत ही मुनासिब कीमत में दे रहे हैं, मार्केट से बहुत जबरदस्त किस्म की सब्सिडी दे रहे हैं। तो जनाब जुल्फकार साहब हमारे साथ होंगे जो कि जमात इस्लामी के यूसी वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उनसे मालूम करते हैं कि ये क्या चीज कितने की है और उनका इनके पीछे ये क्या मकसद है कि उन्होंने ये चीज इनिशिएटिव लिया है। अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार साहब, क्या हाल है सर? जुल्फकार साहब ये जमात इस्लामी का माशाल्लाह अच्छा इनिशिएटिव है कराची के आवाम के लिए और खास करके सफेद पोश लोगों के लिए, तो ये इसके पीछे क्या आपका विजन है? देखिए जी, हमारा विजन तो ये है कि लोगों को इस माह रमजान के महीने में सस्ती चीजें प्रोवाइड की जाएं, ठीक, ताकि वो जो सफेद पोश लोग हैं जिनकी 50,000 भी अगर कोई तनख्वाह आज के जमाने में ले रहा है तो उसमें भी उसका बजट नहीं बनता। बिल्कुल, वो भी उसके दस्तरखान पे फ्रूट नहीं लग सकता क्योंकि महंगाई इतनी होगी, सब्जी नहीं खा सकते, सब्जी नहीं खा सकते, आटा नहीं ले सकते। तो हमने ये कोशिश एक छोटी सी कोशिश की, असल में जो काम तो हुकूमतों के करने के हैं, आवाम कुछ नहीं कर सकती, जब करते हैं हुकूमतें। हाँ। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी उनका कोई त्यौहार आता है तो चीजें आधी कीमत पे हो जाती हैं। बिल्कुल, लेकिन अल्लाह माफ करे हमारे पाकिस्तान का पता नहीं क्या हिसाब किताब है जहाँ चीजों को पर लग जाते हैं। बिल्कुल, यानी गरीब की पहुंच से दूर चले जाती हैं। ऐसा ही है, तो उसको कम करने के लिए एक हमने छोटी सी कोशिश की है। ठीक हो गया। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 4.5-5 हजार लोग डेली यहाँ से सामान लेके जाते हैं। ठीक हो गया। उसमें ज्यादातर सफेद पे लोग होते हैं। ठीक हो गया। और हम ये करते हैं कि हम आटे की मद में डेली 50,000 की सब्सिडी देते हैं। अच्छा। और ये फल और सब्जियों के 80,000 रुपए की डेली सब्सिडी देते हैं। अच्छा। यानी जो मंडी से चीजें आती है उसमें उसके रेट कम करके बाकी हम सब्सिडी में डाल रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा, इस तरह इसकी प्राइस कम होती है। जैसे कि वैसे तो एनजीओ से तो हम नहीं पूछते हैं, वैसे आप सियासी जमात हैं तो ये पूछना फिर मेरा हक बनता है कि ये सब्सिडी कहाँ से लाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि खास कराची के ऊपर अल्लाह का बहुत करम है। बिल्कुल, जब भी कभी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो तो सबसे बढ़ के कराची उन लोगों की मदद को। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जलजला हो, वो सलाब हो, इसमें कोई शक नहीं। तो ये भी हमने 8 लाख रुपए में ये काम स्टार्ट किया था। अच्छा माशाल्लाह। और उसके बाद लोग हैं, डोनर हैं, वो आते हैं, देखते हैं, डोनर है। हाँ, कोई 50,000 दे जाता है कि जब ये सब्सिडी में डाल दो, कोई लाख दे जाता है मेरी सब्सिडी में डाल। और कैमरा मैन अगर दिखाए वहाँ पे तो तरीकेकार, मैंने एनजीओ का देखा है, लाइनें लगा के लोग खड़े हैं, ले रहे हैं। यहाँ पे तरीकेकार बड़ा अच्छा है, ये यहाँ पे आप इजीली लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई धक्का पेल नहीं है। अभी जब हम इसको 2 बजे ओपन करेंगे नमाज के बाद,
तो ये पूरा फ्रंट की कनात हम हटा, मतलब धक्कम पेल तो नहीं, कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हर स्टॉल अलग लगाया हुआ है। अभी भी लोग ले रहे हैं जो मैं जी, अभी असल में बाहर धूप है, रमजान। अच्छा, ये टाइमिंग क्या है इसकी? टाइम 2 बजे से लेके 6 बजे तक है। अच्छा, लेकिन अभी लोग आ जाते हैं, फिर बाहर धूप है, रोजे में खड़े होते हैं। अच्छा, तो हम उनको देना शुरू कर देते हैं। तो बिस्मिल्लाह करें, कहाँ से दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं आपके पास? मेरे ख्याल में आजकल जो ज्यादा शॉर्टेज है हमारे कराची में प्याज वगैरह की, आलू प्याज बहुत, आलू है, प्याज, प्याज जो है प्याज इतना महंगा हो गया है। अच्छा, कि आज का मंडी का रेट 9,500 रुपया मन का है। अच्छा अच्छा, अब 9,500 रुपए अगर मन होगा तो 300, 280, 260 रुपए किलो बिकेगा। हम 180 रुपए किलो के हिसाब से ये देते हैं। कि क्वालिटी देखे, ये नहीं कि गला सारी चीजें जो मुझे नजर आ रही है, बड़ी जबरदस्त किस्म की चीजें हैं। और ये आपको मेरे ख्याल में ये कितने की बताई प्याज? 180 रुपए, 180 रुपए किलो मेरे ख्याल में प्याज है। ये देखें प्याज की क्वालिटी देखें, बड़ी प्याज है और ठीक ठाक क्वालिटी। ये शापर में दिखा दे दोस्तों को, ये देखें शापर में देख ले दोस्तों, वो जबरदस्त किस्म की प्याज है और 180 रुपए के जी की थैली है, ठीक हो गया। और इसी तरह जी आलू है, आलू की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त नजर आ रही है दोस्तों, देख सकते हैं ये क्वालिटी देखे आलू की, बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, बहुत बड़े बड़े आलू है और 1 किलो का है। 1 किलो जो 100 रुपए का हम 2 किलो देते हैं, 50 किलो, 50 ये 2 किलो है, 2 किलो की थैली है, 100 रुपए में, 100 रुपए में जबरदस्त। और मार्केट के अंदर ये 160-170 रुपए का बिकता है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। ये स्टॉक और भी बहुत सारा पड़ा है। और इससे आगे ये मटर मुझे नजर आ रहे हैं साहब, ये कैसे दे रहे हैं टमाटर? माशाल्लाह जबरदस्त टमाटर, 80 रुपए किलो, 80 रुपए किलो दोस्तों, दे सकते हैं किलो केजी का है। अच्छा, मुझे नजर आ रहा है कि केजी की थैली भी बड़ी लग रही है बाहर, तो ये मेरे ख्याल में नहीं, वो डंडी मारते हैं। हम ये करते हैं कि उनको बोला हुआ कभी पूरा, पूरा वैसे आम जो है वो डंडी मारते हैं, इसका मतलब है। और ये दे सकते हैं बहुत सारी सब्जियां, मटर है और ये कद्दू है, ये तोरी है, तोरी है ना, ये देख सकते हैं। और ये एप्पल भी पड़े हुए, एप्पल कैसे दे रहे हैं? 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो एप्पल दोस्तों, देख सकते हैं आपको मेरे ख्याल में नहीं मिलेंगे। ये प्राइस लिस्ट दिखा दे कि इसमें आलू जो है 100 रुपए किलो, प्याज 180, टमाटर 80, लहसुन 100, हरी मिर्च 100, तूरी 100, बैंगन जो है बैंगन 70, फूल गोभी 100 और मटर 100, गाजर 60 रुपए, बंद गोभी 100 रुपए और बहुत सारी चीजें, हरी प्याज है 100 रुपए, शिमला मिर्च 150 दोस्तों, देख सकते हैं। इसकी आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ये देखें ये एप्पल वगैरह सारे पैकिंग हो रही है जो यहाँ पे अभी लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों साहब ये क्या आटा है? आटा है, आटा है, आटा जी मार्केट में 650 रुपए का, 700 का बिकता है, हम 500 का देते हैं। कितने केजी का? 5 केजी का था, 5 केजी जो आपने बताया, ढाई नंबर 50,000 सब्सिडी दे रहा है, जबरदस्त माशाल्लाह। और ये क्या सीन है? ये तौहीद आयल है। अच्छा, ये हम दे रहे हैं 380 रुपए का, मार्केट ये 400 के ऊपर की है, ये ट्रांसपेरेंट है दोस्तों, देख सकते हैं क्वालिटी इसकी। तौहीद आयल 380 का या आप दे रहे हैं? हम दे रहे हैं। और बाहर कितने? 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर है। और ये देखे रमजान, तकरीबन 450 की, 400 की दे रहे हैं रमजान के हवाले से दोस्तों, देख सकते हैं जामे शीरी कितने की बताई? 400 की, 400 की दे रहे हैं मार्केट में, 450, 450 की, 50 रुपया सब्सिडी इसपे भी दे रहे हैं। इसी तरह ये तरबूज है, ये तरबूज कैसे दे रहे हैं? तरबूज 200 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों 100 रुपए किलो, जी जबरदस्त जबरदस्त, ये बाकी 150 से 200 किलो चल रहा है, जी हाँ बिल्कुल। तो और ये देख सकते हैं खरबूजा 100 रुपए किलो, खरबूजा आपकी बहुत बड़ा स्टॉक है दोस्तों, 100 रुपए किलो। और खरबूजा की क्वालिटी चेक करें जरा, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है। और ये यहाँ पे मुझे केले नजर आ रहे हैं, ये केले कैसे दे रहे हैं? 100 रुपए दर्जन, 100 रुपए दर्जन केले दिखाना यार, कोई एक दिखाना केले। ये क्वालिटी देखें, चेक करें दोस्तों केले की, कि इस टाइम मार्केट में केला मेरे ख्याल में इस क्वालिटी का आपको 100 रुपए आप ले रहे हैं, 600 रुपए दे रहे हैं, 150-200 रुपए दर्जन चल रहा है, बिल्कुल 200 चल रहा है, 150 से 200 चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये केले की क्वालिटी देखें, साइज देखें, केला क्या जबरदस्त केला है ये काले। और इसके अलावा ये अमरूद देखे पड़े हुए, अमरूद अगर मैं आपको दिखाऊं, अमरूद कैसे दे रहे हैं? 130 ये दिखा दे, अमरूद की क्वालिटी देखें, ये देखें 130 जी हां। वो मार्केट में कितने चल रहे होंगे? मेरे ख्याल में 150-200 से प्लस ही, ठीक हो गया। और ये भी तरबूज है, ये खरबूजा है, ये भी सारी चीजें हैं। और इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमारे पास डबल रोटी का स्टॉल लगता है। अच्छा, वो भी लगेगा। अच्छा, तो डबल रोटी का, डबल रोटी। अच्छा, तो उसमें ये कम करते हैं कि 160 वाली डबल रोटी 120 में देते हैं। अच्छा, और साथ में 4 बंद फ्री। अच्छा, 4 बंद फ्री, 4 बंद फ्री, तो फ्री हो गया समझो ये, तो वो अभी वहाँ लग जाएगा।
तो दोस्तों ये कोई ज़कात खैरात तो नहीं है, इसमें कोई ज़कात नहीं है, कोई खैरात नहीं है, सिर्फ सफेद पोश हर आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये एक सब्सिडी है, हमने वो महंगाई को कम करने के लिए ये काम। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ये सिर्फ एक सफेद पोश लोगों की परेशानियों में थोड़ी सी एक जो गवर्नमेंट को करने चाहिए वो हमारे NGO कर रहे और सियासी जमातें कर रही हैं। इनको मेरे ख्याल में तो सलाम ही करना चाहिए कि सियासी जमातें भी इस मैदान में, क्योंकि महंगाई ऐसी है कि कूद पड़ी है अपना काम ये बिल्कुल। और जमातों को भी इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ऐसे इनिशिएटिव लें और कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते थोड़ा बहुत अगर हिस्सा डालेंगे तो मेरे ख्याल में अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी कोशिशें मैं इंशाल्लाह करता रहूंगा और आपको मजीद ऐसे वीडियो दिखाता रहूंगा। तो मुझे दे इजाजत, अपना अपने कितना मजीदों का दोस्तों का बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।